बॉलीवुड के बड़े फिल्म डायरेक्टर बोनी कपूर अपने छोटे भाई बॉलीवुड के शानदार एक्टर अनिल कपूर के साथ बीते कुछ दिनों से रिश्ते में आए दरारों का सामना कर रहे हैं। इसे लेकर अनीस बज्मी, जिन्होंने नो एंट्री फिल्म को डायरेक्ट किया, उन्होंने भी अपनी तरफ से राय रखी। बोनी कपूर जो अच्छे प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके साथ उनके भाई अनिल के झगड़े वाकई में सच रहे या फिर झूठ, इसी पर सच सामने आया है। जी हाँ, आपको बता दें, नो एंट्री के सीक्वल में अनिल कपूर को ना रखने की वजह से बोनी अनिल की नाराजगी का सामना कर रहे हैं, चर्चा ये है। तो इसी बारे में अनीस बज्मी से बात किया गया तो उन्होंने इस तरह की अफवाहों पर क्या कहा, आपको बताएंगे। जी हाँ, 2005 के नो एंट्री फिल्म में अनिल पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। उन्होंने बताया सिर्फ एक्टिंग का हिस्सा वो नहीं थे, इस फिल्म में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा, इसलिए अनिल का अपसेट होना बनता है अगर उनके सीक्वल में उन्हें नहीं रखा जाता। लेकिन उनका ऐसा नियत नहीं है कि वो अपने रिश्ते खराब करे भाई के साथ, और उन्हें ये पता है कि दो भाइयों के बीच एक दूसरे के बीच प्यार बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो नाराज़गी है वो कुछ दिनों की हो सकती है, ये दोनों आपस में निपटा लेंगे, जो भी रिश्ता है, जो भी झगड़े हैं, और बातचीत करके सब कुछ समस्या का हल निकाल लेंगे, इनको किसी और की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर उन्होंने इनके झगड़े को तो कन्फर्म कर दिया। बोनी ने भी पिछले दिनों रिवील किया था कि उनके छोटे भाई अनिल उनसे नाराज़ है क्योंकि नो एंट्री के सीक्वल में उन्हें नहीं चुना गया है। नेक्स्ट 9 लाइव स्थिति की रिपोर्ट।